नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल यामी फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। आप जैसा जानते हैं कि हम लोग वीडियो सीरीज कर रहे थे, इसमें हम लोग, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति, हम लोग सोचे थे कि 12 साल में हम लोग बहुत मरीजों को से मिले हैं, उनका इलाज किया है, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि कुछ हम ऐसी चीजें आप लोग को बताएं जो आप लोग को मोटिवेट करे ट्रीटमेंट के बारे में, और आप देखें कि किस तरह मुश्किल हालात में भी हस्बैंड वाइफ ट्रीटमेंट के लिए लगे रहते हैं और उनको सक्सेस मिल जाती है। तो इस सीरीज का एक मेन थीम है कि हम आपके अंदर ये चीज जागरूकता लाना चाहते हैं कि भरोसा मत खोइए अपना। आप भरोसा रखिए कि आप इलाज अगर कराएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे, तो सक्सेस आपको मिलेगी। जो सक्सेस आपके लिए है कि आपके हाथ में आपको बच्चा चाहिए, बच्ची चाहिए, जो भी ईश्वर देगा आपको वो आपको मिलेगी। तो इसमें अब ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो है। ये जो कपल था ये हमारे पास यूरोप से आया था, ये इंडियन ही थे पर यूरोप में काम करते थे हस्बैंड वाइफ। और मैं इस कपल के बारे में ना आपको किसी के भी बारे में नाम बताऊंगा, ना एग्जैक्ट किस जगह से थे ये बताऊंगा, क्योंकि हम ये सारी इंफॉर्मेशन ये मेडिकल टर्म्स में इसको बहुत सीक्रेट रखी जाती है, बोला नहीं बताया नहीं जाता, क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है। आप भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपके इलाज के बारे में किसी और को चीजें बताई जाए। तो बस ये जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि एक कपल था, 13 बार IVF करा के आया यूरोप से। बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत चिंतित थे कि भाई क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा बच्चा, हमने तो सब कराया, हम जो डॉक्टर हमको बोल रहा है सब करा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, क्या है, कभी होगा कि नहीं होगा कि हम लोग बंद कर दें इलाज कराना। तो हम लोग ने उनको डिटेल समझाया, बातचीत करी, उनकी पूरी हिस्ट्री ली, समझाया, क्योंकि इस चीज में अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इंसान बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है, उसको इतना स्ट्रेस हो जाता है चीजों का, डिप्रेशन में चले जाते हैं पेशेंट, उनको लगता है कि उनका कभी कुछ आगे हो संभव ही नहीं है। और मेरा और डॉक्टर स्वाति, हम दोनों का यामी फर्टिलिटी में यह मानना है कि अगर हमने उनको अच्छे से चीजों को समझा दी, सच्चे तरीके से, हम लोग ये नहीं समझाना चाहते कि 100% हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, हम कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते। जो सच्चाई है उस सच्चाई को आपके सामने पेश किया जाता है, तो उसी तरह से हमने पेशेंट को सामने पेश किया कि भाई ये चीजें हैं, इन इन कारणों से हो सकता है आपको बच्चा ना हुआ हो, हम उसके लिए ये चीजें ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने उनको समझाए, हमने वो ट्रीटमेंट किए, उनके फिर से एक IVF किया, ईश्वर की दया से हमको एक प्रेगनेंसी मिली और उसको एक बिटिया हुई। वो बिटिया अभी ऑलरेडी 7-8 साल की हो चुकी है। इससे ये पता चलता है कि कई मरीज जो कि बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं कि हमने एक IVF कराया, दो करा लिया, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा, तो भाई हर किसी को एक IVF में या दो IVF में सक्सेस नहीं मिलती। किसी को एक IVF से ज्यादा कराना पड़ता है, किसी को दो कराने पड़ते, किसी को तीन। अब इस पेशेंट को 14वें IVF में सक्सेस मिली, तो आप ये सोचो कि अगर इसने दूसरे या तीसरे के बाद अपना इलाज बंद कर दिया होता तो क्या इसको कभी अपना बच्चा मिल पाता? नहीं मिल पाता। जब भी आपके दिमाग में ये सवाल आए कि क्या मैं अपना इलाज बंद करूं, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि एक डॉक्टर से आप सलाह मशवरा लें, उनसे बात करें, ऐसे डॉक्टर से जो आपको अच्छी एडवाइस दे सके, जिसने इस तरह के डिफिकल्ट केसेस को ट्रीट किया हो और सक्सेस मिली हो उसको इसमें, और फिर आप डिसाइड करिए कि क्या आपके लिए आगे ऑप्शंस हैं करने के लिए। मैं डॉक्टर संकल्प, यामी फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर इंदौर, हम लोग की क्लिनिक विजयनगर में है, तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति यहाँ पे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे सलाह मशवरे की जरूरत है, तो हमारी डिटेल्स इस वीडियो के साथ में है, तो आप हमको फोन कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हम लोग बहुत खुश होंगे आपकी किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए कि आप जल्द ही माँ बाप बन सके। धन्यवाद।